चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्या सीखने वाले हैं आज? यहाँ पर क्लास 12th है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन देखिए, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा क्वेश्चन इधर है। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल 1। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर मान ज्ञात करना है एक्स का, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, कोस इनवर्स एक्स। जो इनवर्स प्रॉपर्टी में यहाँ पर देखिए आप, ये आपको याद है लेकिन इसको समझना जरूरी है। जो आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है बराबर में, तो वो यहाँ पर चेंज हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, कोस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं सिद्ध करके नहीं बता सकता, इतना टाइम नहीं है, तो इसको आप देख लीजिए, आपको याद है ये कोस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप ध्यान रखिए, इसको आप काम आने वाला है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे, साइन इनवर्स जो साइन दिया है और अंदर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल 1। तो ये दिया है, इसकी जगह पर ये रखना है, पुट कर रहा हूं मैं इसका जो मान है। तो यहां पर देखिए आप ध्यान से, धीरे धीरे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, उसके लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कोस इनवर्स। ये तो मैंने पूरा ऐसा का ऐसा लिखा एज इट इज, और कोस इनवर्स की जगह पे मैं ये लगा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में एक। अब मैं इसको जो इंटू है इसका अंदर इंटू कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिए क्या होने वाला है बच्चों, ध्यान से देख लो, क्योंकि ये जो यहाँ पर नहीं देखना देखा आपने तो ये ऊपर जाएगा सिर के आपके। यहाँ पर देखो साइन, और जो साइन का साइन इनवर्स में इंटू हुआ तो 1/5 बचा। अब यहाँ पर देखिए साइन और साइन इनवर्स का यहाँ पर इंटू करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बराबर में एक का एक। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो ये समीकरण है इसका मैं वर्ग कर रहा हूँ, इसका पूरे का वर्ग कर रहा हूँ समीकरण का। तो यहां पर समीकरण का वर्ग करने पर क्या होगा, यहां पर देखिए आप ध्यान से, इसका वर्ग करेंगे तो 1/5 का वर्ग क्या होगा, 1/25। इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या लगेगा, क्या बचेगा, सिर्फ यहां पर जो किसी भी संख्या का अपन रूट एक्स है और इसका वर्ग करेंगे तो सिर्फ एक्स बचता है। ये आपको समझाने के लिए लिखा मैंने। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर क्या बचेगा, इसका रूट करेंगे, रूट के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो अंदर रहता है वो ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। और ये यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, ये सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर है, ये उधर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/25 इक्वल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, जो एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटेगा और सामने रूट बन जाएगा, तो 1/√25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/5 आएगा, मतलब एक्स का मान क्या आया, 1/5। यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना था तो हमने ज्ञात कर लिया, अतः एक्स का मान 1/5 है, ये लिखना पड़ेगा आपको आखिरी में, तो लिख लेना, वो तो लिख सकते हो आप। और भी जो इस क्वेश्चन में डाउट हो तो यहाँ पर देखिए, पहले वीडियो को 2 बार देखिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप।